देखिए, मैथ क्लास 10th चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। किसी साल के पहले वीक में ₹5 सेव करती है रामकली, बचाती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। और हर एक वीक में वो जो है कितना इंक्रीज करती है, ₹1.75 और बचा उसमें इंक्रीज करती जाती है हर वीक में, ठीक है। इफ़ इन द एंथ वीक, अब वो वाला वीक बताना है, एंथ वीक कौन सा, हर वीकली सेविंग जिसमें 20.75 यानी ₹20.75 उसकी सेविंग हो जाएगी, तब आपको एन बताना है। तो इसकी एपी जो बनेगी उसके लिए देखिए, पहले कितने रुपीज थे, 5, उसमें 1.75 मैंने जोड़ा तो ये आ गया, तो फिर दूसरे ये आ जाएगा, फिर 1.75 जोड़ेंगे तो 8.50 आ जाएगा, इसी तरह से लास्ट में क्या आएगा, 20.75। तो ये लास्ट में लिख दिया, तो ये वैल्यू आप लोगों को पता ही है, ए ये 5 हो जाएगा, डी क्या है जो अंतर आ रहा है 1.75, ठीक है। ए एन क्या है जो लास्ट में है, एन आपको पता करना है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पर कितना आ जाएगा, डी 1.75 आ जाएगा, और इक्वल टू ए एन है 20.75, ठीक है। 5 को ट्रांसफर कर देंगे, एन माइनस 1 1.75, सॉरी 5 आएगा यहाँ, 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5, 5 माइनस कर देंगे हम। हाँ देखिए, अब एन माइनस 1 इंटू 1.75, अब इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 15.75 बचेगा, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड दे दो, एन माइनस 1 इक्वल टू 15.75 में 1.75 का डिवाइड दे देंगे, दो डिजिट बाद यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी कि बिना पॉइंट में आप इसको इस तरह लिख दो, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 6 7 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 2 बचा, 5 5 जा 25। अब फिर से कैंसिल कर लेंगे, एन माइनस 1 इक्वल टू कितना है, अब इसको 5 से और कैंसिल कर दो, 5 6 जा 31 बचा 15 हो गया, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 63, इसको और कैंसिल कर दो, 7 9 जा 63, 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी कि 10 आ जाएगा, तो जो n की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 10, यही आंसर है।